ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सागवाड़ा द्वारा आमजन के लिए बिजली पानी व अन्य मूलभूत सुविधाओं के प्रबंधन में नाकाम रहने वाली राज्य सरकार के खिलाफ उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर मटकियां फोड़कर आक्रोश जताया। वहीं राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था करवाने की मांग की। शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सागवाड़ा के आह्वान पर क्षेत्र में पेयजल व बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेसियों द्वारा सागवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया गया। धरने को AICC सदस्य दिनेश खुड़निया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खुड़निया सहित ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी के मौसम में बिजली की अघोषित कटौती के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी सूचना के 6 से 7 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के अघोषित कटौती होने से आम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सागवाड़ा क्षेत्र में पानी की काफी समस्या बनी हुई है, परंतु राज्य सरकार एवं उनके अधीनस्थ विभागों के द्वारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे आम जन पानी का भारी संकट झेल रहा है। सागवाड़ा के प्रमुख पेयजल स्रोत लोढ़ेश्वर बांध में पानी सूख गया है, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। कांग्रेसियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार आमजन की समस्याओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सरकार व प्रशासन बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेसियों ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय से मांग करी कि अघोषित बिजली कटौती को तुरंत बंद किया जाए और भीषण गर्मी में क्षेत्र में आमजन के लिए पानी का समुचित प्रबंध करवाया जाए। राजस्थान की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे क्षेत्र के अंदर पानी बिजली रोजगार देने में असफल हो चुकी है। भाजपा के नेता जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी मुंह छिपाते फिर रहा है, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गांव के अंदर बिजली 20-20 घंटे तक गायब रह रही है। अशोक गहलोत के राज के अंदर अगर 2 दिन कोयला खत्म होता था तो अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ स्वयं जाकर के कोयला लेकर के आते थे, और इनकी केंद्र में सरकार, राजस्थान में सरकार, जिला प्रमुख उनका, प्रधान उनका, उसके बाद भी कोयला नहीं है। ये कोयले की बात नहीं है, आपका दिल काला है इसलिए आप बिजली नहीं दे पा रहे हो।